أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास यू के जी लिटरेसी बुक नंबर 2 पेज नंबर है आज का हमारा 38। तो बच्चों पेज नंबर 38 हमने पहले भी पढ़ाया है तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो देख के घर में पढ़ना है, ठीक। तो क्या करना है यहाँ पे, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को वर्ड्स व्हाट और दिस, यहाँ पे दिस और दियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो इसके साथ व्हाट यूज होगा या दिस यूज होगा, इसको देख के आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स को सर्कल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, व्हाट होगा या दिस होगा। व्हाट इज योर नेम करेक्ट है या दिस इज योर नेम करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी है, जब क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमेशा जब हम किसी से सवाल करते हैं तो उसके साथ क्या यूज होता है, व्हाट, ठीक है। व्हाट, व्हेन, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ाया है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, व्हाट। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, व्हाट। तो आप लोगों को क्या करना है, व्हाट को सर्कल करना है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक। तो यहाँ पे व्हाट को क्या करना है, सर्कल करना है। सेकंड क्या है, दिस देयर, दिस इज माय बैग है या देयर इज माय बैग, ठीक। तो यहाँ पे लड़के के पास क्या है, उसका बैग है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, दिस, दिस इज माय बैग, ये मेरा बैग है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट सेकंड क्या है, सर्कल द अदर वर्ड्स इन द पेयर्स, पेयर्स को सर्कल करना है, ठीक है। पेयर्स मींस क्या है, जोड़ा, ठीक, जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे डटी और यहाँ पे दो पिक्चर्स दिया हुआ है, एक हॉट है एक क्लीन है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, आप लोगों को सर्कल करना है, ये आप लोगों को खुद करना है। डटी का पेयर्स